ज़ाहद भाई को मैंने एक सूट दिया था अपना सिलाई करने के लिए। ये सर्दियों वाला सूट है, अम्मी जान ने लिया था मेरे लिए पिछले साल, तो ज़ाहद भाई ने सिलाई कर दिया हुआ है, लेकिन अभी इस्त्री करने वाला है। तो ज़ाहद भाई कहते हैं कि मैं इस्त्री कर देता हूँ। मैंने कहा कि रहने दें, आप घर वाले कर लेंगे इस्त्री, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जुम्मा मुबारक, आज जुमा है। तो मैं अभी उठा के मैं नई शलवार कमीज पहनूं, तो मैंने ज़ाहद भाई को कपड़े दिए हुए थे, तो मैं पता करने आया था। मुझे लगा नहीं था कि ज़ाहद भाई ने सिलाई कर दिए होंगे, लेकिन ज़ाहद भाई ने कर दिए हुए थे। और ज़ाहद भाई कहते हैं कि मैं इस्त्री आपको ना हल्की हल्की कर देता हूँ। सिलाइयाँ जो है ना वो बिठाने वाली थी, तो वो अपने हिसाब से कपड़े इस्त्री कर रहे हैं अभी। ज़ाहद भाई जो है ये 700 रुपया सिलाई लेते हैं, तो जो दूसरे गांव से मैंने कपड़े सिलाई करवाए थे उनमें 1000 रुपया सिलाई ली थी। अभी ज़ाहद भाई के पास चेंज नहीं था, 1000 रुपये का नोट था। मैं दुकान पे गया हुआ था चेंज लेने के लिए, चेंज लेके आ चुका हूँ मैं। ठीक है, शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि ज़ाहद भाई अच्छे दर्जी नहीं है, बहुत अच्छे दर्जी हैं। हमारे सब घर वालों के कपड़े सिलाई जो है ना भाई ज़ाहद ही करते हैं। बाहर से मैंने इसलिए कपड़े सिलाई करवाए थे, मैंने सोचा कि चलो बाहर से एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं ना कि बंदा कैसे सिलाई करता है। उन्होंने 1000 रुपया सिलाई ली थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई किए थे। मिलिए मेरी चाइनीज गुड़िया से, ये पूरी ना चाइनीज लग रही है देख के, माशाल्लाह। मेरी गुगु गुगु, और बाल भी वैसे बनाए हुए हैं। हाँ, बोलती भी चाइनीज में है, देखे इच्छा समझ आई है उसे। समझ आई है उसे मेरी बात, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैंने कहा क्या है। ये शीशे पे बच्चों ने नेल पॉलिश लगा दी हुई है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी कुछ ऐसी लग रही है लड़के को नई शलवार कमीज, लड़का हैंडसम लग रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी अभी नमाज के लिए चलते हैं। मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, जब भी मैं नमाज पढ़ के वापस आता हूँ ना, तो मेरा जूता सीधा कर देता कोई, पहले ऐसे पड़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी नमाज अदा कर ली है। काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि मेरा जूता सेट करके भी रख जाता है। हो सकता है कि अबूजा ने रखा हो, उससे जाके पूछूंगा, क्योंकि वो भी नमाज पढ़ने के लिए आता है। मेरा आपसे सवाल है कि मस्जिद में मेरा जूता आप सीधा करते हैं? हाँ, मैंने किया था। अल्लाह हाफिज। कुछ खाना? वही पिज्ज़ा बर्गर। पिज्ज़ा या बर्गर? पिज्ज़ा। ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ सियालकोट, हमारे एक भाई हैं, उन्होंने शॉपिंग करनी है और उनसे हमने पार्टी भी लेनी है, मतलब उनके पैसों से हमने लंगर भी खाना है। पार्टी का यही मतलब हुआ ना, पैसे आपके अय्याशी हमारी। तो अभी सियालकोट जा रहे हैं, साथ बने रहे हैं, आपको बताते हैं क्यों पार्टी लेनी है, किस खुशी में शॉपिंग करनी है, सारा कुछ। मैंने शॉपिंग नहीं करनी, हमारे भाई हैं, आप उनको जानते हैं। बहुत टाइम से भाई हमसे पार्टी ले रहे थे, अभी उनकी बारी आ गई है देने की। देखो जी, फिर एनजी है। अस्सलाम वालेकुम, कैफा हालुक हबीबी। अब कौन है? चाचू की इतनी भरी जान। एक कप चाय, दो कप चाय, तीन कप चाय, चार कप चाय। चलो शाबाश, हुन पढ़ो चल के। चाचू ने ट्यूशन तो पढ़ा हड़िया। गाड़ी तो हमारी साफ है, हमने इस पे जाना है। मेरी ख्वाहिश है कि भाई मदसर भी हमारे साथ जाएं। भाई मदसर जो है ना इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। कभी कभार बंदा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि गाड़ियां धोनी पड़ी है उनको, और कोई रीजन नहीं है। गांव में रहते हुए गाड़ियों को साफ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैं और भाई बशर तो गाड़ी धोते ही नहीं है ना, आते नहीं लगाते, तो धोनी भाई मदसर को पड़ती है। फिर वो गुस्से में आगे हुए थे। हम जी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, अभी सियालकोट जाना है, सियालकोट से वापस भी आना है, अभी हम घर से नहीं निकले। तो उससे प्लान भाई और भाई मुदस्सर का इंतज़ार हो रहा है, वो आते हैं तो फिर निकलना है। और चौथे भाई हैं एक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनका भी आपको पता चल जाता है, तो उनको भी लेना है। उनको गाँव की दूसरी तरफ से उठाना है, क्योंकि उनका घर जो है ना वो गाँव की दूसरी तरफ है। ये हैं हमारे अब्दुलरहमान भाई, प्यार से हम इनको मनी भाई बोलते हैं, और ये कुछ दिनों तक इंशाल्लाह साउथ कोरिया जा रहे हैं। एक साउथ कोरिया वाले भाई पीछे ही बैठे हुए हैं, जो कि मजा चख के आए हुए हैं वापस, और मानी भाई जो हैं ये जा रहे हैं मजा चखने के लिए साउथ कोरिया का। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड बस जिस तरह आम रूटीन में, बस एक है कि बस जा रहे हैं फॉरन में, नया एक्सपीरियंस होगा, देखिए अभी उधर जाके क्या बनता है। मरी से ये है ना कि बंदा शाम को वापस आ सकता, वहां से आ नहीं ना सकता। ये है वो परदेश है।
काम भी करना है, काम भी करना है और उदास भी होना है, ठंड भी होनी है, सारे मामला तो होने हैं और घर से दूर होना है। बिल्कुल, बच्चों तो से दूर। पाकिस्तान में तो आपको फॉरेन टिकट करवाओ और आ जाओ, वहां से तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपीरियंस भी नहीं आया और हमें रूटीन भी नहीं होती इधर काम करने की, इस तरह पाकिस्तान में जिस तरह उधर काम करना होता है। बिल्कुल, तो काम आसान हो या हार्ड हो, जिस तरह मर्जी हो, लेकिन काम काम होता है। बिल्कुल, और डेफिनेटली एक नया एक्सपीरियंस होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बरकत डालें और हमें सीधे रास्ते पे रखें और उधर जाके बुरी चीजों से अल्लाह ताला हमें बचाए। आमीन आमीन। सो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई साउथ कोरिया जा रहे हैं। भाई अब्दुलरहमान के बड़े भाई, भाई ज़ाहद, वो टीचर भी हैं, कोरियन सिखाते हैं बच्चों को। ये उनके ही स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो वो कोरियन सिखाते हैं। वो भी साउथ कोरिया रह के आए हुए हैं। फिर हमारे भाई मुदस्सर हैं, एक मुझसे बड़े भाई हैं मेरे, वो भी गए थे साउथ कोरिया, लेकिन वो सिर्फ 2 साल काम करके वहां से वापस आ गए थे। भाई मुदस्सर जो है ना, भाई अब्दुलरहमान को चीजें जो है ना वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने वहां पे जाके ये करना है, ऐसे होगा। अब कौन सी जगह आपने रिकमेंड की है भाई जान? इत्तेवान जो है ना, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा। बैंसो ने पूरे रोड पे कब्जा किया हुआ है। कर लो मोटरसाइकिल जवानों, कर लो निकल गए। सबसे पहले हम लेंगे अब्दुलरहमान भाई के लिए ट्रैक सूट। एक ट्रैक सूट लेना है, तो भाई अब्दुलरहमान चेक कर रहे हैं, पहले ब्लू में, फिर आई थिंक अभी ब्लैक में चेक करना चाह रहे हैं। भाई जाना तो देखो, जबरदस्त कलर चेंज करना चाहते हैं आपकी, यही रखना है। ठीक है, सोना लग गया क्या? हो गया आपको बैट्स ना, ना चेक करें आप, देखें कलर यही ठीक है ब्लू। भाई जान ब्लैक भी चेक करवा लें, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा, ये सही है। एटीएम आपका चलना है डेफिनेटली, जो बैंक सामने ही है। तो आज ना मेरी डील हो गई है भाई अब्दुलरहमान के साथ, मेरी डील हो गई है कि साउथ कोरिया जाते ही जो पहली पे होगी ना, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आज खुली शॉपिंग फिर ये कर सकते हैं। अगर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते। मैं बिल्कुल नहीं आपको जानता, फिर रहते ही तो नीचे जान दे आज। तो अभी यहाँ पे थे तो भाई अपने सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम आपका? इशाब, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। कबीर भाई क्या हुआ अभी, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा क्या हुआ। ये पीले रंग का ट्रैक सूट पहना भाई इस पुतले ने, और ये वाले पुतले ने भी पीले रंग की शर्ट पहनी है। इधर खड़ा होके कह रहा था, सामने नजर आ रहे हैं मैं। सामने नजर आ रहे हैं ये घूमते हुए थे कबीर भाई और सिकलैन भाई। इसका शेड इधर भी नजर आ रहा है, तीन पुतले नजर आ रहे यार। मैं तेरे लोग आ रहे हैं सामने, आई हुआ तो गैर इंसानी पुतले, अभी गैर इंसानी पुतले। तो ये अपर जो है ना अब्दुलरहमान भाई के लिए पसंद की है। ऐप सांझे डन है, डन है। शॉपिंग जी अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ शुरू है। तो अब्दुलरहमान भाई जो है फिलहाल खुश हैं, जैसी उनको चीजें चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं। तो अभी आखिर पे दो सिर्फ टी शर्ट्स रह गई हैं जो अब्दुलरहमान भाई ने लेनी है, मानी भाई ने लेनी है, और उसके अलावा उन्होंने एक बॉल लेना है, फुटबॉल, और एक क्रिकेट बैट लेना है छोटा अपने बेटे के लिए। उनका बेटा छोटा है, मोहम्मद की एज का होगा, उसके लिए बैट लेना। जैसे ये चार चीजें हैं, उसके बाद पार्टी है। क्यों हैदर? तो ये भतीजा है अब्दुलरहमान भाई का, सही है। तो ये भी हमारे साथ आया हुआ है, इसने अपने लिए ट्रैक सूट ले लिया है। हाँ जी अब्दुलरहमान भाई, कैसे जा रही है शॉपिंग? बेहतरीन, अपने ट्रेंड बंदे साथ लगाए हुए हैं। हाँ, और भी चीजें हैं, शूज लेने हैं अभी, वो तो मेरे जहन से निकल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? और क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। बच्चा अपना सब्सक्राइबर है, पीछे से आज उसने ऐसे किया मुझे, ऐसे मेरे पता नहीं कौन आ गया पीछे। ये पूरा बाजार है जहाँ से स्पोर्ट्स का सामान मिल जाता है, हर किस्म का। तो सियालकोट आपको पता ही है, स्पोर्ट्स के मामले में नेक्स्ट लेवल है। ये फुटबॉल लिया है जो कि खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में हैदर के लिए। पकड़ लो। ये बैट भी हो गए अब्दुलरहमान भाई ने अपने बेटे के लिए लिए हैं, दो बैट लिए हैं, क्योंकि भाई अब्दुलरहमान का कहना है कि मेरा बेटा जो है ना वो बैट तोड़ देता, प्लास्टिक का टूटना क्या होता है, चिब्बा कर देता, मतलब ना कैसे उर्दू में से कहेंगे, मतलब कि खराब कर देता है, ये समझ लें। अभी जी शूज लेने के लिए हम आ चुके हैं, अब्दुलरहमान भाई देख रहे हैं अपने दोनों ने ले लिए हैं। अभी हैदर के लिए शूज देखे जा रहे हैं, और इधर जो है भाई लगे हुए हैं अपनी तस्वीरें बनाने के लिए, शीशे में इनको शीशा मिल चुका है, और हम इस शीशे में अपनी वीडियो बनाएंगे। देखें बगैर फिल्टर के ही हम हैंडसम लग रहे हैं, आप फिल्टर लगा के लगेंगे कमेंट बॉक्स में, तो फर्क तो है ना, ओरिजिनल बने।
मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक जी, कर दें इनके चैनल को सब्सक्राइब। और इनसे अभी फिर मैं 50 लाख रुपए लूंगा, क्योंकि इनको मैं शाउट आउट दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ये बात सीरियस मत लीजिएगा। वहाँ पे मस्जिद में जाना होता है ना, क्योंकि पास कहीं ना कहीं मस्जिद जरूर होती है, तो सारी कम्युनिटी वहाँ पे जमा होती है। रोज तो नहीं होती लेकिन सैटरडे नाइट लाजमी होती है। वहाँ पे जाने के लिए भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं शलवार कमीज और चप्पल को, क्योंकि वहाँ पे पहन के जा सकते हैं। सही है, एक चप्पल इधर से लेंगे, सही है, और वॉशरूम के लिए चप्पल इधर से लेंगे। मैं और कबीर भाई बाइक पे घूम रहे हैं, अभी बाइक हम यहाँ पे खड़ी करेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे, और अभी हम जा रहे हैं बट कड़ाही पे, जो कि कैंट के अंदर है। तो हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो बगैर हेलमेट के हम जा नहीं सकते। तो दूसरे भाई हमारे आए हैं, उनके पास गाड़ी है, वो यहाँ पे आएंगे, उनके साथ हम गाड़ी में बैठेंगे और सीधा जाएंगे बट कड़ाही पे, वहां पे जाके हम ट्रीट लेंगे अब्दुल रहमान भाई से। वो जगह इसलिए चूज की गई है क्योंकि वन डिश खाएंगे ना, किसी आपा नहीं होगा कि ये खाना ये खाना ये खाना, वन डिश स्पीड में काम खत्म। वन डिश वाला रूल कदू दा बनाया था? आज ही बनाया जे, बहुत अच्छा रूल है। अच्छा ना, अक्षर फजानवा वन डिश वाला रूल ठीक है, बैठे आप आगे। और नहीं भाई, अब बड़े हैं भाई, रिस्पेक्ट भाई। हमारा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, एक चिकन कढ़ाई ही, एक चिकन कढ़ाई है और दूसरी मटन कढ़ाई। और टाइम जो है अभी 8:20 हो रहे हैं, अभी हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे। अभी हमारे दो बंदे मिस हैं, कबीर भाई और फैजान भाई, उनसे मिलने के लिए आया हुआ है, उनका इंतजार हो रहा है, भूख लगी हुई है, अभी इंतजार करना भी मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे। बिस्मिल्लाह, जसर भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाह, मलाई बोटी जो है ना हमारे अब्दुल रहमान भाई की फेवरेट। हाँ जी भाई, बस जी खुश हो? नहीं नहीं, एक बारी मैं अपनी चॉइस दिलाई है तेरा। अच्छा, मैं अपनी चॉइस दिलाई ली यार। खाने के बाद अभी चाय की बारी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खाना खाएं और चाय ना पिए? और हमारे उबल के आएगी बात जी हूँ। भाई सर कुछ पैसे चाहिए थे, तो अभी अपने टाउन में एटीएम पे रुका हूँ, तो पैसे लिए हैं। रात के 10 हो रहे हैं, बच्चे सो गए होंगे, अबू जर ने पिज्जे का कहा था, तो यहाँ से पास ही है KFC, तो वहां से पिज्जा भी लेना है। और ये अभी भी जाग रहे जवान, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। वैसे स्कूल के पास तो हम हैं, तो इसे ड्रॉप ना कर जाए, इधर ही बैठ जाता है। ये इधर ही स्कूल है, अल्लाह करके छुट्टी हुई है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह करके तो छुट्टी हुई है। थैंक यू सो मच भाई जान, थैंक यू सो मच, बाकी फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गांव में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले भाई अब्दुल रहमान का घर आता है, फिर एंड पे जाके हमारा आता है। ओए देखें कितना बड़ा कीड़ा है यार। घर हम आज भी पहुंचे हैं, 10:50 हो रहे हैं यार। मुझे तो ये गले ने तंग किया हुआ है, मैं उधर बोल रहा था ना तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी आवाज बैठ रही है, मेरा साउंड सिस्टम खराब हो गया हुआ है। मेरा साउंड सिस्टम मतलब गला जो है ना, इसको कोई मसला है। पिज्जा मैं ले आया हूँ, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। जॉन जो है सो चुका है घोड़े बेच के, तो ये भी सुबह ही उठ के खाएगा। मेरे पास गले का शरबत है, बहुत मीठा है, इसे पीने का बहुत मजा आता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। गले को क्या हो रहा है यार।